हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आज है 19 जून और 19 जून के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हैं विथ रिवीजन एंड जीके के कुछ फैक्ट्स लगभग 200 से 300 जीके के फैक्ट्स हम लोग रिवीजन करेंगे और जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर इसको डेली फॉलो कर रहे हैं इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई भी दिन ना छूटे मैप भी हमने इंक्लूड किया है ताकि जोग्राफ़ी आपका ऑटोमेटिकली रिविज़न हो जाए और आज आप आज मैप की एक अलग सीरीज़ भी आएगी अगर आपको डेली क्विज ज्वाइन करना है आप जीके के की क्विज लाइव देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए साथ ही साथ सारे पी कल भेज दिए गए हैं टेलीग्राम पे तो जिनको भी पीडीएफ के लिए ज़रूरत थी वो पीडीएफ सब ले सकते हैं वहाँ पे और पुराने पीडीएफ भी आप स्क्रॉल करोगे तो एक जगह सात सात आठ आठ पी मैंने सब भेज दिए हैं एक भी पीडीएफ मैंने छोड़ा नहीं है ठीक है तो आप इस बात का ध्यान रखो चलिए पहला क्वेश्चन आज का जो है कौन से राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला पहला राज्य बन गया है ये स्टेट जो भी है ये मनरेगा महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम जो पास हुआ था उसके तहत सबसे ज़्यादा इसने रोज़गार दिया है और इस स्टेट का नाम क्या है बताइए तो ये है उत्तर प्रदेश ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है लखनऊ आपको पता है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश में भारत की बहुत फेमस नदियाँ भी बहती हैं जैसे कि गंगा जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में ही है लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है लगभग मैं बोल रहा हूँ और दूसरी चीज़ है उत्तर प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे कि इलाहाबाद में मिलती हैं जो कि संगम है यमुना और सरस्वती तो ये तीनों नदियाँ इलाहाबाद में मिलती हैं आपको ये याद होना चाहिए यमुना जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और गंगा उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो हम लोग आगे का जो मैप है उसमें और डिटेल देखेंगे और यहाँ के सी एम है योगी आदित्यनाथ गवर्नर है गवर्नर का नाम आपको कमेंट करके बताना है बहुत ईजी है यार बहुत ज़्यादा ईजी है लाइव कमेंट करते रहो दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनना जा रहा है और एक तरीके से भगवान राम की सबसे ऊंची मूर्ति इस दुनिया में बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में ही ठीक है तो नेक्स्ट जो है मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 ट्वेंटी, ट्वेंटी इज गिवेन टू तो ये मोनाको फाउंडेशन अवार्ड ये एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो कि एक तरीके से डेवलपमेंटल इकोलॉजी एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है तो ये दिया गया है ट्वेंटी ट्वेंटी अवार्ड किसको डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को किसको दिया गया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को और मैं आज डेक्कन भी बताऊंगा डेक्कन इलाका जो है जोग्राफिकल आज मैंने फिजिकल मैप ऑफ इंडिया रखा है फिजिकल मैप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है किसने किसे यू का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया है अस्थाई सदस्य चुना गया विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड एज यू एस एज यू मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर अब ये क्या होता है इसके फीचर क्या होते हैं यूएन का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन क्या होता है रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इस पे जल्द ही मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा जिससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप उसके लिए तैयार रहें इसमें देखते हैं यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत उसका सबसे मजबूत पार्ट जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण आप देखते होंगे कि कहीं भी पीस कीपिंग मिशन जाता है या कहीं भी किसी पे प्रतिबंध लगाया जाता है तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से लगाया जाता है यू तो इसमें दो साल टर्म के लिए अस्थायी रूप से भारत को चुना गया है किसको चुना गया है भारत को और ये बहुत अच्छी बात है एक वोट भारत को मिले थे और आपने कल न्यूज़ भी देखा होगा तो ये एक अच्छी बात है अपनी लेकिन हमें ज़रूरत है परमानेंट मेंबरशिप की ना कि नॉन परमानेंट मेंबर से हमें कुछ विशेष फायदा नहीं होता है और जो विट्टो है जिससे विट्टो पावर जो पांच सुपर पावर्स एक तरीके से यूएन में दिखाई देते हैं कौन कौन है चाइना रूस अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस इन लोगों के पास स्पेशल विटो होता है जो कि ये अस्थाई मेंबर होते हैं मतलब ये हमेशा रहते हैं और जो अस्थाई होता है वो हट जाता है इसी तरीके से आपने इसके एक कोर्ट होती है ठीक है जो कोर्ट होती है युवा यूनाइटेड नेशंस की उनमें जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल होता है नौ साल का ठीक है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जो भी प्रेसिडेंट हो और भारत चूंकि चुना गया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी न्यूज़ में चल भी रही हैं आपको मैं बताऊँगा और रिविजन कराऊँगा एशिया का सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं चीज़ें वो हैं एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत सबसे ऊंचा वाला स्थान तो वो है माउंट एवरेस्ट और जिसे सागर माथा कहते हैं नेपाल में ठीक है और सबसे निचला जो है वो है डेड सी जॉर्डन के पास है तो आज हम लोग वेस्ट एशिया को रिविज़न करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया से सवाल पूछे जाते हैं आपके सामने है ब्लैक सी मैंने बताया था ब्लैक ब्लैक सी का फार्मूला आर यू बी जी टी जो लोग भी इसे याद करते होंगे समझ गए होंगे आर से होता है रोमानिया और रशिया यू से होगा यूक्रेन बी से होगा बुल्गारिया जी से जॉर्जिया और टी से टर्की इतने देश जो हैं ब्लैक सी के आसपास हैं और इनकी बाउंड्री लगती है ब्लैक सी से ठीक है इसी तरीके से आपको और दूसरा देखना पड़ेगा कैस्पियन सी कैस्पियन सी इज़ वेरी इजी कैस्पियन सी जो है कजाकस्तान तुर्कमेनिस्तान ईरान और ये बाकू और इधर का आप इलाका देखेंगे तो ये भी कजाकिस्तान से लगता है एक चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ ईरान जो है वो कैसपियन सी और गल्फ़ मतलब फ़ारस की खाड़ी इन दोनों के बीच में स्ट्रग्ड है तो ये भी पूछा जाता है कि फ़ारस की खाड़ी से सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस देश की लगती है तो आप ध्यान से देखेंगे तो ईरान ही है ठीक है फिर छोटे छोटे जो भी देश हैं जैसे कि इराक इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की करेंसी है क्या है बताइए दिनार और ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी करेंसी रिसेंट में बदली है उसका नाम है तोमान प्लीज़ याद रखिए तोमान इसकी करेंसी बदल गई है अफगानिस्तान की राजधानी अफ़ग़ानी सॉरी काबुल और अफगानी यहाँ की करेंसी है अब बात करेंगे ओमान ओमान मस्कट और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है यमन की राजधानी है सना और यमन दिनार यहाँ की करेंसी है सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ है तो सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी है ठीक है तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं सीरिया की राजधानी कहाँ है दमस्कस या दमिस्क हिंदी में कहते हैं और पाउंड यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड चलिए नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं और भी इधर छोटे छोटे देश हैं इजराइल इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और न्यू सेकिल यहाँ की करेंसी है और यहाँ के संसद का नाम बहुत बार पूछा जाता है वो है नेसेट और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पी हैं जो कि भारत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए एशिया की अगर सबसे बड़ी बाउंड्री वाली देश पूछें तो वो है रशिया और ये दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है फिर आता है आपको चीन के बारे में इसकी शैतानियों से तो आप वाकिफ़ होंगे इनकी बाउंड्री थोड़ी देख लेते हैं तो ये साउथ चाइना सी जो आपको दिख रहा है इस पर ये पूरा अधिकार अपना चाहता है और चाहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसे ब्लॉक कर दे तो ये इसकी रणनीति है वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चाइना और ताइवान में शासन चलता है ये है ताइवान छोटा सा जिसे ताइवान स्टेट के द्वारा ये अलग होता है दूसरा है मंगोलिया मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर कजाकिस्तान की राजधानी थी पहले अस्ताना अब हो गई है नूर सुल्तान तो आई होप इतना रिवीजन आपके लिए काफ़ी है बाकी रिवीजन हम लोग करते रहते हैं तो डेली देखा कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए लाइक करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और आपको भी एक मोटिवेशन मिलता होगा किस देश ने नस्ल और जातिगत भेदभाव के लिए आयोग का गठन किया विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड रेसिज्म कमीशन यूके यूएस रूस और जापान तो रेसिज्म कमीशन क्या होता है जो नस्लीय भेदभाव होते हैं जैसे कोई ब्लैक है कोई वाइट है तो ब्लैक ने वाइट को कुछ कहा उसे नीचा दिखाने की कोशिश की या वाइट ने ब्लैक को कहा इस तरीके की जो भी एक्टिव होती एक्टिविटी होती हैं तो इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने ये कमीशन का घोषणा किया है अब आपको मैं ब्रिटेन से रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आपको अच्छा लगेगा क्या आपको पता है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन इंग्लैंड ये सब अलग अलग जगह हैं अब देखो आप यहाँ पे ये जो पूरा आइलैंड है ठीक है इसमें ये यूरोप ये आयरलैंड का पार्ट है और ये यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन इससे ही रिलेटेड है तो आपको क्या याद रखना होता है इसमें कि यूके और आयरलैंड को अगर मिला देंगे ये देखिए आप ये हुआ आयरलैंड और ये हुआ यू इसको अगर मिला देते हैं तो ये हो जाते हैं ब्रिटिश आइल्स मतलब ब्रिटेन हो जाता है ठीक है और यूनाइटेड किंगडम अब इसकी बात आप छोड़ दो ठीक है सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की बात करो तो ये इंग्लैंड वेल्स इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड एंड और आयरलैंड इसको मिलाने के बाद ये यूके बनता है अब एक और वर्ड क्वाइन होता है आप बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे मैं फिर से बताता हूँ ये पूरा इलाका जो है इसे ब्रिटिश आइल्स कहते हैं मतलब ये एक तरीके से टापू है और यूके में आता है इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड ठीक है और नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन एक शब्द यूज होता है ग्रेट ब्रिटेन में चूंकि ये ग्रेट है तो ब्रिटेन भी आता है इंग्लैंड भी आता है वेल्स भी आता है और स्कॉटलैंड भी आता है सब कुछ आता है इसमें ग्रेट ब्रिटेन में अगर आपने एन पढ़ी होगी और आप पढ़ोगे अगर आगे तो ये चीज़ें मिलेंगी अब आपको क्या ध्यान रखना है ब्रिटेन जो है एक तरीके से क्लाइमेट इमरजेंसी दुनिया में इसने पहली बार लगाया था यहाँ के पीएम बने हैं रिसेंट में कंजर्वेटिव पार्टी से बोरिस जॉनसन क्या नाम है बोरिस जॉनसन और इस ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल थोड़े सा अनस्टेबिलिटी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन अभी यूरोपीय यूनियन से भी अलग हुआ है तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब रहा है पॉलिटिकली तो बोरिस जॉनसन को जरूर याद रखिएगा क्लाइमेट इमरजेंसी सबसे पहले इसने लगाया था दूसरा जो देश था वो था आयरलैंड इसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया था और जो पुराने मतलब एक तरीके से डीजल के वाहन होंगे जो वैन होंगे उनको बैन कर दिया है साथ ही साथ नए डीज़ल के कार भी नहीं बेचे जाएंगे और आपको क्या याद रखना है आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश चैनल का नाम आपने बहुत सुना होगा इंग्लिश चैनल ये है और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है कुछ कनाल हैं जो कि पूछे जाते हैं कैनाल इन देंस कि वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है तो इसको जरूर याद रखिएगा स्ट्रेट ऑफ डोवर कनाल नहीं है डोवर डोवर स्ट्रेट कहाँ है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ठीक है दोस्तों तो जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसे ध्यान से सुना कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरे तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी अच्छा नॉलेज मिले ठीक है लाइक करने में आप लोग कंजूसी तो बहुत करते हो मुझे पता है चलिए कुछ कुछ और देख देखते अब इसकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए इंग्लैंड की राजधानी है लंदन डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन ठीक है और देखिए इंग्लैंड हो या कोई हो यूरोपियन मैक्सिमम कंट्रीज़ का करेंसी यूरो है यूरोपीय यूनियन का जो करेंसी है नॉर्वे की नॉर्वे है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और सिप्री सिप्री जो रिपोर्ट होता है वो जारी किया जाता है किसके द्वारा स्वीडन के द्वारा फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस की और फिनलैंड की एक पीएम है जिनका नाम है सना मारिन ये दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार बाल्टिक स्टेट क्या है कौन कौन से हैं तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बाल्टिक सी है और ये स्टोनिया लाटविया और लिथुआनिया ये तीनों हैं बाल्टिक स्टेट ये पहले रसिया के पार्ट थे बाद में ये अलग हो जाते हैं तो इन तीनों की राजधानी अगर याद होती है तो सही है अदरवाइज सिर्फ आपको जानना है बाल्टिक स्टेट में ये तीन आते हैं क्योंकि जब आप हायर स्टडी करोगे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स दोगे तो ये सब पूछे जाते हैं तो तैयारी अभी से करो दोस्त बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और ये इलाका देखने की कोशिश करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है एड्रियाटिक की रानी एड्रियाट क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी ये कहते हैं इटली को इटली की राजधानी कहाँ है तो इटली की राजधानी है रोम और यहीं पोप का निवास स्थान होता है क्रिश्चियन Christian जो क्रिश्चियनिटी है उनके लीडर की एक तरीके से बात करें फिर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन सा कनाल जोड़ता है आपको ये पता होगा मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से मैंने कई बार दिखाया है ऊपर भी एशिया का मैप था उसमें भी आपको दिख रहा होगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य ने कृषि उत्पाद विभाग का नाम बदलकर मतलब बदल दिया है नया नाम रख दिया है उस कृषि उत्पादन विभाग ठीक है तो ये जो है जम्मू लद्दाख पंजाब या उत्तराखंड तो बताइए राइट आंसर तो ये है जम्मू एंड कश्मीर ठीक है जम्मू एंड कश्मीर ने ऐसा किया है उन्होंने नाम बदल दिया है अब जम्मू एंड कश्मीर से आप क्या क्या चीज़ें रिवीजन कर सकते हो जम्मू कश्मीर ने ऑनलाइन सैलरी को ट्रैक करने के लिए अभी ऐप लॉन्च किया था पोर्टल लॉन्च किया था ये आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 की उसकी स्थापना हुई थी और दो भागों में ये बट गया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ठीक है बाकी चीज़ें मैं बार बार रिवीजन कराता रहता हूँ तो आप लोग मैप देखते होंगे तो होता होगा आपको रिवीजन खुद ब खुद अंकटाड के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा एफ आया है अंक टाड क्या है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड ठीक है सॉरी एग्रीकल्चर एंड ट्रेड नहीं ये इसका है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है जेनेवा स्विट्जरलैंड तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा एफ अर्न करने वाला देश कौन है तो ये देश है इंडिया भारत अपना देश अपना प्यारा भारत इसने सबसे ज़्यादा एफ अर्न किया है एफ का फुल फॉर्म क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है एफ का फुल फॉर्म अब इसके अलावा कुछ कुछ और चीज़ें हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये दोनों का हेड क्वार्टर कहाँ है आई ए ई ए या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका भी क्वार्टर है वियना यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका हेड क्वार्टर है वियना ये दोनों का हेड क्वार्टर है वियना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ का हेडक्वाटर कहाँ है ग्लैंड स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहाँ है लूसाने ठीक है यूरोपियन मार्केट यूरोपीय कॉमन मार्केट का कहाँ है तो ये है जेनेवा अब ये नाम सुने होंगे चोगम या सी एच ओ जी एम कॉमनवेल्थ हेड ऑफ़ गवर्नमेंट मीट ये है लंदन ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है ओपेक का हेड क्वार्टर है वियना ओ ई सी डी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसकी हेड क्वार्टर है पेरिस में सिंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अंकारा में है कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है लंदन में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है ब्रुसेल्स में ठीक है ये सब आपको याद रखना चाहिए ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक वीडियो भी बनाया है मैं सबसे कहता हूँ कि काइंडली आप लोग जाके प्लेलिस्ट विजिट करो यार सबकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है अगर उसको आप विजिट करते हो तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा ये रिविजन होता होगा अदरवाइज आपको थोड़ा सा नया लगता होगा तो आप नोट भी कर सकते हो मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ ठीक है मकड़ियों की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया न्यू स्पाइडर स्पीसीज़ नेम प्लेस्ड ऑन विच पर्सन नेम तो ये हैं ग्रेटा थनबर्ग ग्रेटा थनबर्ग एक बहुत अच्छी एक कम एज की इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लोगों के बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार किया है तो इनका नाम जरूर याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है तो जो भी चाइल्ड लेबर हैं एक तरीके से रेस्क्यू किए जाते हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई का रजिस्ट्रेशन सब खर्चा ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके अब मैंने कहा था कि मैं आपको मैप दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश की बहुत बात हो रही है तो सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं काराकोरम रेंज लद्दाख रेंज जास्कर रेंज लद्दाख रेंज आपको पता ही है अभी यहाँ पर कितना दुख हुआ था हमें जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो हमें ये सब मैप में देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए ये है हिमालय फिर आते हैं हम इंडो गंगेटिक प्लेन पे दिल्ली ये है यमुना गंगा घाघरा गोमती ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं कोसी भी सहायक नदी है ठीक है फिर अगर बात करें थार मरुस्थल तो ये है राजस्थान में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें कच ऑफ रन तो ये है कहाँ गुजरात में सतपुड़ा और विंध्य तो विंध्य हो जाता है मध्य प्रदेश में थोड़ा और सतपुड़ा हो जाता है थोड़ा एमपी में और थोड़ा महाराष्ट्र में भी नर्मदा और तापी ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं और अगर कुछ बात करें और स्पेशल तो ईस्ट वेस्टर्न घाट को कौन सा किस नाम से जाना जाता है तो ये हो जाता है कोंकण तट तो ये हो जाता है मालाबार तट और इधर से हो जाता है कोरोमंडल तट और ये हो जाता है नॉर्दर्न सरकार तट तो पहले तो आपको मैप पता होना चाहिए कि है क्या वाकई में ठीक है तो इससे आपकी रिवीजन और अच्छी होगी और आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा अब होता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाक की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है तो ये यहाँ पर है चलिए आगे बढ़ते हैं गुलजार देहलवी का निधन हो गया वो प्रसिद्ध क्या थे गुलजार देहलवी दे थकर्ड विच ही रिलेटेड विथ विच प्रोफेशन तो ये जो थे ये एक बहुत प्रसिद्ध पोएट थे क्या थे पोएट सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे अब सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बहुत सारे लोग इस पर होंगे कि ये क्या है दरअसल ये एक कुकिंग का आर्ट होता है ठीक है ये डे कब मनाया जाता है कुकिंग आर्ट पाक कला हिंदी में कहते हैं तो ये डे है मनाया जाता है आपको 18 जून को ठीक है 18 जून को मनाया जाता है अब आपको यहाँ पे होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि जितने भी डे मैंने बताए हैं जितने भी आपको याद हैं सीक्वेंस वाइज लाइन से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इससे आपका ही रिविज़न होगा मेरा तो जो होगा सो होगा ही ठीक है आपका रिवीजन अच्छा होगा मुझे खुशी होगी कि आपने अपनी तैयारी जारी रखी है वर्ल्ड डे टू कम्बैड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कब मनाया गया तो ये मनाया गया 17 जून को नेक्स्ट है ए आई आई बी अप्रूव्ड हाउ मच मिलियन डॉलर्स टू इंडिया फॉर कोविड नाइन्टीन कितने डॉलर की अनुमति दी है ए आई आई बी ने तो ये मैंने कल ही बताया था साढ़े सात सौ डॉलर मिलियन डॉलर और ए आई आई बी का हेड क्वार्टर है बीजिंग चाइना में साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कल रिवीजन कराया था तो काइंडली अगर आपने नहीं विजिट किया है कल के करेंट अफेयर्स तो ज़रूर विजिट करो यार क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है विच रिवर ऑफ ओडिशा हैज़ अ फिफ फाइव हंड्रेड ईयर ओल्ड एनशेंट सबमर्स टेम्पल तो मैंने कल ही बताया था ये नदी कौन सा है तो ये है महानदी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जॉब पोर्टल कॉल्ड कर्म भूमि कर्म भूमि किसने लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने ठीक है और क्विज के लिए प्लीज़ ज्वाइन कर लो और पी के लिए टेलीग्राम और अगर आपको करंट अफेयर्स की एयरली पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ काइंडली स्क्रॉल कीजिए क्विज देखिए जितने भी लिंक हैं इंपॉर्टेंट पढ़िए और पढ़िए पढ़िए यही काम है इसी से सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा तो प्लेसमेंट हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह सब लोग सक्सेसफुल हों ठीक है इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड में इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया की क्या रैंक है विथ फुल डिटेल जो लोग भी कमेंट करेंगे उन्हें मैं थैंक यू नोट अलग से स्पेशली दूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिलइन बाय बाय फॉर नाउ